जय हिंद मित्रों, प्रगतिशील भारत में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे के बारे में कि दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे के बन जाने से कितने कम समय में अब दिल्ली से देहरादून पहुंचा जा सकता है और इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने वाला है। दोस्तों, तो चलिए, अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली किसी भी नई वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजीत अंजलि। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स का आत्मिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजीत अंजलि में। दिल्ली से देहरादून अब मात्र 2 घंटे में पहुंचा जा सकता है और जो एक्सप्रेसवे का टारगेट समय 2024 था निर्माण का, वह अब मात्र 2023 में अर्थात एक वर्ष पहले ही बनकर तैयार हो जाने वाला है। दोस्तों, तो अब 2023 से दिल्ली से देहरादून मात्र 2 घंटे में इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से पहुंचा जा सकेगा। दोस्तों, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तेज हो गया है। 210 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दिल्ली से देहरादून पहुंचना महज 2 घंटे में संभव हो सकेगा। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाली एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के निर्माण का कार्य तेज हो गया है। इसे पूरा करने के लिए समय सारणी में भी बदलाव किया गया है। पहले एक्सप्रेसवे को मार्च 2024 में पूरा कराए जाने की योजना थी, लेकिन अब कंप्लीशन डेट को रिवाइज कर दिसंबर 2023 कर दिया गया है। मतलब 1 साल का इंतजार और दिल्ली से देहरादून महज 2 घंटे में पहुंच सकेंगे। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे होने के कारण इस पर जाम का संकट भी कम होगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को मार्च 2021 में शुरू कराया जाना था, लेकिन पर्यावरण विभाग की ओर से एनओसी नहीं मिल पाने के कारण कार्य शुरू होने में देरी हुई। पर्यावरण विभाग की मंजूरी के बाद इस एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना पर काम शुरू हुआ। तेजी से काम चल रहा है। कई स्थानों पर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के लिए पिलर बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। जहां पर एक्सप्रेसवे का निर्माण जमीन पर होना है, वहां पर प्लानिंग और मिट्टी का कार्य कराया जा रहा है। दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर लंबा है। दिल्ली से देहरादून के लिए सीधा एक्सप्रेसवे तैयार करने की योजना 2020 में बनाई गई, तब इस एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव आया था। इस एक्सप्रेसवे का अधिकांश हिस्सा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगा। दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए वाया सहारनपुर यह एक्सप्रेसवे देहरादून तक जाएगा। इस 210 किलोमीटर के स्ट्रेच में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहनों को चलाने की योजना का प्रस्ताव है। इस आधार पर इसका निर्माण हो रहा है। दिल्ली में वाहनों का दबाव देखते हुए 14 किलोमीटर के भाग में 12 लेन सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। गाजियाबाद के 15 किलोमीटर के भाग में भी चौड़ाई अधिक होगी। इस एक्सप्रेसवे को 6 लेन का आगे रखा जाएगा। एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद दिल्ली में यमुना पार और लोनी के जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी। दिल्ली सहारनपुर मार्ग से होते हुए देहरादून जाने के लिए अभी 6 से 7 घंटे का समय लग जाता है। लोग अभी देहरादून जाने के लिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हैं। इससे इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली देहरादून 210 किलोमीटर लंबे नए एक्सप्रेसवे के बनने के बाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का जाम खत्म होगा और लोगों की समय भी बचेगी। दोस्तों, ईस्टर्न पेरिफेरल तक 7 स्थानों पर चढ़ने और उतरने की सुविधा होगी। देहरादून एक्सप्रेसवे का स्टार्ट पॉइंट अक्षरधाम होगा। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से भी यह एक्सप्रेसवे जुड़ेगा। करीब
31.5 किलोमीटर के इस भाग में लोगों को चढ़ने और उतरने के लिए 7 पॉइंट दिए जाएंगे। अक्षरधाम के 5.5 किलोमीटर बाद गांधीनगर गीता कॉलोनी में एक्सप्रेसवे पर चढ़ने उतरने की सुविधा होगी। 7.4 किलोमीटर बाद ISBT दिलसाद गार्डन मार्ग, 9.5 किलोमीटर बाद खजूरी पुस्ता मार्ग और 11.2 किलोमीटर बाद सिग्नेचर ब्रिज मार्ग पर एक्सप्रेसवे पर चढ़ा और उतर सकते हैं। यूपी की सीमा में यूपी बोर्ड के 3 किलोमीटर आगे यानी 17.5 किलोमीटर बाद वाहनों के चढ़ने उतरने की व्यवस्था होगी। ईस्टर्न पेरिफेरल से पहले 26वें किलोमीटर में मंडोला के पास एंट्री और एग्जिट पॉइंट होगा। इसके बन जाने के बाद दिल्ली और गाजियाबाद के साथ साथ सहारनपुर, बड़ौत, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, शामली एवं हरियाणा के यमुनानगर के लोगों को इसका फ़ायदा मिल जाएगा। बागपत के खेकड़ा तहसील में भी एक्सप्रेसवे कनेक्ट होगा। इससे बागपत के इलाके से दिल्ली पहुंचने का एक सीधा मार्ग मिलेगा। लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। यहां से रोज़ दिल्ली काम करने के लिए लोग जाते हैं, उन्हें मंडोला के पास बनने वाले रैंप का भी लाभ मिल जाएगा। एक्सप्रेसवे मंडोला सीधे जुड़ जाएगा। इससे दिल्ली की अक्षरधाम की दूरी महज 18.5 किलोमीटर रह जाएगी। अभी जाम के कारण लोगों को अक्षरधाम पहुंचने में 1.25 घंटे का समय लगता है। एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद 20 मिनट में यात्रा पूरी हो सकेगी। दिल्ली में एक्सप्रेसवे को 5 मुख्य मार्गों से जोड़ने की योजना है। NHAI के अधिकारियों का कहना है कि एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट को इस तरह तैयार किया गया है कि दिल्ली और गाजियाबाद की सभी प्रमुख सड़कों का ट्रैफिक आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। देहरादून एक्सप्रेसवे को रिकॉर्ड समय में तैयार करने की योजना है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने इसे पूरा करने के लिए नई समय सीमा तय की है। पहले मार्च 2024 तक एक्सप्रेसवे को तैयार किए जाने का लक्ष्य था, इसे अब दिसंबर 2023 तक कर दिया गया है। प्रोजेक्ट को नई समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्णय लिया गया है। इसके नियमित रूप से निर्माण स्थिति की समीक्षा की जाएगी। NHAI के वरिष्ठ अधिकारी सप्ताह में एक बार परियोजना का फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। साथ ही हर महीने योजना के तहत 7-8% निर्माण कार्य पूरा करना होगा। इस पर अमल भी शुरू कर दिया गया है। नोएडा और गाजियाबाद के अलावा यह एक्सप्रेसवे जुड़ने वाले अन्य इलाकों को दिल्ली के निकट ले आएगा। इससे इन इलाकों में आर्थिक समृद्धि लाने में मदद मिलेगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी नाम दिया गया है। पूर्वी दिल्ली को जाम से निजात मिलेगी। इसके अलावा उत्तराखंड और दिल्ली के बीच पश्चिमी यूपी की सीमा में उद्योगों को स्थापित भी कराया जा सकेगा। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को लेकर चल रही है। इसको लेकर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हो रहा है। योगी सरकार के मंत्री विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विदेशी दौरों पर हैं। CM योगी आदित्यनाथ स्वयं स्विट्जरलैंड का दौरा करने वाले हैं। ऐसे में नया एक्सप्रेसवे यूपी में विकास के लिए नए क्षेत्र को खोलने वाला साबित होगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने लोगों में, अपने कॉन्टेक्ट में अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा ताकि इस जानकारी का लाभ और लोगों को भी हो सके। और अगर अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाली किसी भी नई वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। मिलते हैं फिर किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।